हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। आगे बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आसाम के चीफ मिनिस्टर के लिए सबसे सुटेबल पर्सन कौन है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए, जो लोग भी आसाम के राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। आगे बढ़ते हैं कोरोना वायरस की अपडेट्स की ओर। बीते दिन 401,078 केसेस नए हमको देखने को मिले। मरने वालों की संख्या 4,479 थी, जो कि आज तक की सबसे ज़्यादा की संख्या है। 238,000 लोगों ने टोटल हिंदुस्तान में अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। यही बात प्रमाण है कि आपको अपने घर में रहना चाहिए, वैक्सीन लगवाना चाहिए और सभी नॉर्म्स एंड कंडीशंस का फॉलोअप करना चाहिए। मिस्टर केजरीवाल का कहना है 3 महीने के अंदर वो पूरे दिल्ली NCR को वैक्सीनेट करा सकते हैं अगर उनको हर महीने 80 से 85 लाख वैक्सीन्स केंद्र सरकार मुहैया कराए। इस समय उनके पास 40 लाख वैक्सीन है, जो कि पर्याप्त नहीं है। डेली वो वैक्सीन्स लगने की स्पीड बढ़ा रहे हैं, पर इस तरह से वैक्सीन्स जल्दी ख़त्म होंगी और फिर उनको ब्रेक लगाना पड़ेगा। केंद्र से उन्होंने वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की मांग की है। कहा है हर महीने उनको 80 से 85 लाख वैक्सीन मिले, ताकि डेली में 18+ 2.5 करोड़ की जनता को वो 3 महीने के अंदर वैक्सीन लगवा सके। उनके आंकड़े और दावे तो सही हैं, पर शर्तें केंद्र वैक्सीन पहुंचाता रहे और दिल्ली गवर्नमेंट वैक्सीन लगवाने के लिए अग्रिम रहे। आगे बढ़ते हैं। LPG सिलेंडर अगर आपको लेना है तो पेटीएम का एक नया ऑफर है। अगर अभी तक आपने पेटीएम पे नहीं बुक किया है LPG सिलेंडर, तो 809 रुपये का LPG सिलेंडर आपको मात्र 9 रुपये में मिल सकता है। 800 रुपये का कैशबैक ऑफर चल रहा है। जाइए पेटीएम पे बुक कीजिए, पहली बार LPG गैस सिलेंडर पेटीएम के माध्यम से पे कीजिए, तो आप सभी को 10 रुपये से लेकर 800 रुपये तक कैशबैक का स्क्रैच कार्ड मिलेगा। उसको स्क्रैच करिए तो आपको हो सकता है 10 रुपये मिल जाए वापस, हो सकता है 800 रुपये मिल जाए। तो चांसेस हैं कि 809 रुपये का सिलेंडर आपको मात्र 9 रुपये मिलता है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स को 800 रुपये तक का पूरा कैशबैक मिल गया है। ट्राई करने में क्या हर्ज है, पैसे तो वैसे भी लगने हैं। HDFC के शेयर्स खरीदने लायक हैं, क्योंकि इनके क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, लगभग 3100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। पिछली बार से 42% ज़्यादा का प्रॉफिट उन्होंने मारा है। मार्केट इस समय बंद है, मंडे को ओपन होगी और देखिएगा HDFC के प्राइस में सर्ज आएगा, तो आप परचेज करते हैं तो घाटे में नहीं रहेंगे। एंजल ब्रोकिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अपना अकाउंट खोलिए। एक और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर आप सीख सकते हैं वीडियो देख कर कि कैसे शेयर मार्केट में एंटर करके थोड़े पैसे लगा के ढेर सारा पैसा बिना रिस्क के कमाना है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने टिप्पणी की है और निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनका कहना है सेंटर विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसको तुरंत पोस्टपोन करना चाहिए या स्थगित करना चाहिए। उन पैसों का प्रयोग या उस काम में लगने वाले ऊर्जा का प्रयोग महामारी को रोकने के लिए होना चाहिए। उन्होंने तंज कसा है नेहरू जी और गांधी जी के ऊपर भी, उनके रिलेशनशिप, उनके फैसले, देश के लिए नीतियां और पूरे नेहरू परिवार की आलोचना करते हुए बताया कि आज देश जिस महामारी में है, जिस हाल में है, जिस व्यवस्थाओं में है, उनके बनाए गए पॉलिसीज की वजह से। आपका इस पर क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। छोटा राजन जो कि तिहाड़ जेल में कैद थे, सेशन कोर्ट में उनकी सुनवाई चल रही थी कई मामलों के खिलाफ, खबर आई उनका देहांत हो गया है एम्स हॉस्पिटल में। एम्स हॉस्पिटल ने इस बात को खारिज किया और बताया 26 अप्रैल को वो प्रीमियर हॉस्पिटल में गए एडमिशन के लिए, क्योंकि वो कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी सुनवाई थी, लेकिन जेलर ने मना कर दिया था ये कहकर कि वो कोरोना के सिम्टम शो कर रहे हैं। तब से एम्स में उनका इलाज चल रहा है और फिलहाल भी वो एम्स में हैं और वो जिंदा हैं। छोटा राजन की अभी मृत्यु नहीं हुई। तो फर्जी खबरों पर आप भरोसा ना करें। छोटा राजन को और भी कई कमोरबिडिटीज़ हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, हार्निया, लैपरटॉमी और हाइपरटेंशन। तो आप देख सकते हैं जिंदगी में अगर गलत काम करेंगे तो भगवान इसी जीवन में इतनी सारी बीमारियों से आपको सजा ज़रूर देंगे। आसाम की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पाने के लिए होड़ है इस समय हिमंता बिस्व शर्मा में और सर्बानंदा सोनोवाल में, दोनों ही BJP से हैं। सर्बानंदा सोनोवाल पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2016 में, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए पहले ही पार्टी ने ऐलान कर दिया था नाम सर्बानंदा सोनोवाल का। इस बार ऐसा कोई नाम ऐलान नहीं हुआ है। दोनों ही लीडर्स देखे गए हैं दिल्ली जाते हुए JP नड्डा और अमित शाह के ऑफिस में। प्रधानमंत्री जी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं सोनोवाल जी कछारी ट्राइबल इलाके से हैं और हिमंता बिस्व शर्मा हेल्थ मिनिस्टर भी हैं आसाम के, और उनके ज्यादा चांसेस है इस बार आसाम के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभालने के लिए। आपका इस विषय क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। शपथ ग्रहण होते ही मैं आपको सूचना दे दूंगा। नोएडा के CMO दीपक ओरी का कहना है गांव में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण के केस और इसका कारण है जिला पंचायत के चुनाव और उनकी काउंटिंग।
गांवों में संख्या बढ़ी है, जिसके तहत गांवों में भी कैंपेन चलाए जा रहे हैं कोरोना वायरस के ट्रेसिंग के लिए, ट्रैकिंग के लिए और स्क्रीनिंग के लिए। अगर आप भी गांव में रहते हैं तो ध्यान दीजिए, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आते हैं तो जरूर जाइए चेकअप के लिए। ये ना सोचिए कि ये बीमारी केवल शहर तक सीमित है। आगे बढ़े तो आखिरी खबर है फिर उत्तर प्रदेश से। गौशालाओं के लिए ऑक्सीमीटर्स, थर्मल स्कैनर्स और गाय के लिए स्पेशल बनाए गए मार्क्स उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अलॉट किए हैं 5,100 गौशाला में, जो कि 56 डिस्ट्रिक्ट में फैले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 5.5 लाख की संख्या में लाइव स्टॉक्स की सुरक्षा होगी। इससे उनका मानना है कि कोरोना वायरस से अगर इंसानों को बचाया जा रहा है तो गायों को भी बचाना जाना चाहिए। हालांकि ऑक्सीमीटर जो है वो गौशाला में काम कर रहे वर्कर्स के लिए, ऑफिशियल्स ने ये भी कन्फर्म किया है। अभी दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।